हर साल जब जब ठंड या कोहरा छाता है तो प्रदूषण की चर्चा शुरू हो जाती है। इस साल भी यही हो रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली की एयर क्वालिटी फेल है और हर तरफ दिन में कोहरा छाया हुआ है और सूरज महाराज की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आंखें तरेर सके। दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और विशेषज्ञों और डॉक्टरों की माने तो सांस के गंभीर रोगी घर से बाहर ना निकलें। जिनको कोरोना हो चुका है वो भी बाहर अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकलें, क्योंकि उनका फेफड़ा पहले से ही ख़राब है, इसीलिए फिर उनको कोरोना हो सकता है या उनका फेफड़ा खराब हो सकता है। इस बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान का शहर लाहौर भयंकर प्रदूषण का शिकार हो गया है और दिन में ही अंधेरा हो गया है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है और उल्टी भी हो रही है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के आंकड़ों में लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लाहौर में बुधवार को हवा की गुणवत्ता 600 से अधिक दर्ज की गई है, जबकि प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का कराची शहर 5वें स्थान पर है। न्यूज एजेंसी ANI की माने तो लाहौर के गुलबर्ग में एयर क्वालिटी 681, रायबिंड में 626, अनारकली मार्केट में 541 और मॉडल टाउन में 532 दर्ज की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में धुंध ने भी अधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। जानकारी देते चलें कि इससे पहले इसी साल मार्च में IQ एयर वैश्विक वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट में पाकिस्तान दूसरा सबसे प्रदूषित देश था। वहीं लाहौर इससे पहले भी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। पाकिस्तान में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए विशेषज्ञों ने पराली जलाने और उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरह से दिवाली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामी का ठीकरा हरियाणा और पंजाब पर फोड़ते हैं और कहते हैं कि पराली की वजह से ही दिल्ली में धुंध छाया हुआ है, वहीं पाकिस्तान के लाहौर के दुनिया में नंबर 1 पर आने पर विशेषज्ञ सिंध और KP के पराली को मान रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान के माथे पर बड़ा कलंक लगा है और कराची दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 हो गया है।